हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट किया था कि क्या कहते हैं, कुछ टाइम में ही एक वीडियो आने वाली है अबाउट रिगार्डिंग CUET UG 2024 एग्जाम। इसके ऊपर हमारे पास अब सीरीज आने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम बच्चों को डर लगता है कि ये सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, टीचर सही बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। क्योंकि ना बच्चों को ये चाहिए होता है कि जो मतलब जूनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स आने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका सिर्फ यही मानना होता है कि क्या कहते हैं कि अब कोई एक्सपीरियंस्ड होता है या फिर जो बच्चा, जो बंदा या फिर जो स्टूडेंट ऑलरेडी ड्यू में है, अगर वो हमको गाइड करे तो मे बी अच्छा रहेगा। सो आपको और कुछ अपनी पर्सनल डिस्कशन करनी है मेरे से तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सअप चैनल, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल रखी है, जाके चेक करो फटाफट से। CUET देने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आपको मतलब कि CUET देने से पहले आपको पहले अपनी NCERT बुक पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत ऑब्वियसली बात है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट को बहुत अच्छे से जान लेना है कि एग्ज़ाम फॉर्मेट कैसे होगा, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्मेट कैसे होगा ये तो आपको जब आप एग्ज़ाम फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम जब मॉक टेस्ट देंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उस से ही आपको थोड़ा सा रिलेट होगा। मतलब ये है कि मतलब उसको इतना कर लो, इतना कर लो, इतना थोड़े से उसको फॉर्मेट को इतना अच्छे से समझ लो कि जब भी आप मतलब कि दें एग्ज़ाम तो आपको यूँ ना लगे कि मैं पहली बार दे रहा हूँ। और इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं होगी वहाँ पे, ऐसे नहीं वहाँ पे कार्ड नहीं देंगे तो मैं गलत दे दूँगा तो आपको ये आंसर, ठीक है। तो तुम अपने आंसर देना है और नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग से बचना है थोड़ा सा। जो सिलेबस है आपको वो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पहली बार तो 12th में पढ़ लिया है और 12th में ऐसे तो होने चाहिए तुमने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि आपने बोर्ड्स भी दिए हैं, बोर्ड्स भी दिए हैं और आपको पढ़ा भी होगा आपने वो, तो आपको दोबारा पढ़ना है, तो आपके ऊपर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप दोबारा उसको पढ़ के CUET एग्ज़ाम क्रैक करें। और हो सके पता है आप लोग एक काम करो, अगर आपको बुक सजेशन चाहिए तो वही कह रहा हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर ही मैं आपको बात बता दूंगा। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ, और आपकी हेल्प करने के लिए मैं ऑलवेज़ अवेलेबल मिलूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, फोन जाना वहाँ पे ज्वाइन कर लो इसलिए अभी। तो भाई अपने सिलेबस पे मास्टरिंग कर लो अच्छे से, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार अपना सिलेबस पढ़ चुका है, 12th बोर्ड दे दीजिए आपने और रिजल्ट भी आने वाला है 12th का, तो थोड़ा सा देख लेना क्योंकि इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन ऐसे लेना है कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स हार्ड लगती है, इकोनॉमिक्स हार्ड लगती है उसको न्यूमेरिकल, तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती उसको थोड़ा सा कम टाइम देना है, पर डेट्स में इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में हिस्ट्री थोड़ी सी सही रहती है, मतलब याद करने में याद हो जाती है, पर न्यूमेरिकल्स याद नहीं रह पाते। तो फॉर्मूला आप देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो। और दूसरी बात ये है, नेक्स्ट बात ये है कि आपको मतलब प्लान बनाना पड़ेगा, बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी अपना प्लान बनाया था CUET के टाइम पे, एक स्केड्यूल होता है वो बनाया था, ठीक है, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। यूँ आपने बना के रख दिया और बस हो गया। मैंने यहाँ पे मतलब कि ये यहाँ पे पढ़ता था, मैं स्टडी रूम में मेरा, और सामने मेरा सारा प्लान होता था, स्केड्यूल वगैरह जितने सारे थे और सारा सिलेबस वगैरह सारे लगा रहता था साइड, और ये सारा मैंने कुछ लिखा है जो कि आपको बताना है, ज़रूरी बात है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपसे आप लोगों को बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी बात ये कि आप खुद को इनको अपडेटेड रखना है, खुद को अवेयर रखना है कि जो जो नई नई न्यूज़ आ रही हैं, जो NTA निकाल रहा है, NTA जो भी बता रहा है, यूँ नहीं एडमिट कार्ड आ रहा है होश ही नहीं है, एडमिट कार्ड चला गया होश ही नहीं है, पेपर हो चुके ख़त्म हो गए, रिजल्ट आ रहा है, कोई मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। भैया देखो, जो अपडेटेड रहेगा ना वही पहुँचेगा DU में, सीधी सी बात यह है, रहेगा ना शादी में व्यस्त दे तो हो गया हमारा काम, तो कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा अपडेटेड रखो खुद को, और हो सके तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी आपको वहाँ। और ये कि अपनी हेल्थ और क्या कहते हैं उसमें हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ ध्यान रखना है, अगर हेल्थ भी ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो पढ़ाई कैसे हो जाएगी। अपनी नींद पूरी करनी है, तीन यानी 12 में 24 में तो 24 घंटे पढ़े ही जा रहे हैं, सो ही नहीं रहे, आँखों के नीचे काले हो रहे हैं, है ना, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, दिमाग में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो गया, पता नहीं कुछ भी, थोड़ा सा ना दिमाग को भी थोड़ा ठंडक मिलना चाहिए, गर्मी वैसे ही बहुत हो रही है, पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा और खुद को हेल्दी रखो। और अभी एक चीज़, नई चीज़ ये भी अपडेट आया है कि 7 मई को आज सुबह इंटीमेशन स्लिप
सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज हो चुकी है बाय एनटीए। सीटीए ने सिटी इंटीमेशन स्लिप निकाल दी जिनकी 15, 16, 17, 18 को पेपर है, ठीक है 15, 16, 17, 18 को पेपर है ऐसे तो बोला गया है, हो गए नहीं होगी पता नहीं क्योंकि हमारे भी ऐसे ही बोला गया था, पर 21 से स्टार्ट होते 21 मई से, ठीक है और 15 मई को आई थिंक हमारा रिजल्ट आ गया था क्लास 12th का, तो थोड़ा सा संभाल के रहना। अभी रिजल्ट पे ध्यान लगा, अभी उस ध्यान लगाइए आप अभी अपने सीयूईटी पे, 12th का रिजल्ट अभी कुछ काम का नहीं है, हम बस 12th का रिजल्ट काम आएगा वो आपको नेक्स्ट में पता चलेगा क्यों काम आएगा, जैसे आपको हॉस्टल वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना तो उसमें 12th के मार्क्स मायने रखेंगे, ठीक है तो यही बात मैं बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को फटाफट से जाके और आपको अपडेट मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम सीयूईटी एस्पिरेंट्स, बाय बाय।